Hello viewers, welcome to my video lecture. In this video, I am going to discuss about the classification of kingdom fungi and the different classes of kingdom fungi. So let's start. Kingdom fungi is categorized into four classes. इसको चार क्लास में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मतलब कि उस की फंजाई में किस तरह की माइसीलियम प्रेजेंट है, माइसीलियम सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, कि उसमें सीनोसेटिक कंडीशन देखने को मिलती है कि नहीं मिलती. सेकेंड इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि वो अपना स्पोर कैसे बनाता है उसके बेसिस पे. एंड फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि उसमें किस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इसको चार क्लास में बांटते हैं. फर्स्ट क्लास इज फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज फोर वन बाय वन. Now let understand the first class, that is phycomycetes. Phycomycetes जो होते हैं उसके member found in aquatic habitat, aquatic habitat में present होते हैं, या फिर decaying wood in the moist and damp places. Moist और damp places में जो wood decay हो रही हैं उसमें भी ये present होते हैं. इसके साथ साथ ये plants में obligatory parasite के form में भी present हो सकते हैं. अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की. जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक, इसकी जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसको कि कहते हैं हाइफी. और ये हाइफी के नेटवर्क को ही कहते हैं माइसीलियम. तो अब हम लोग इसके माइसीलियम को देख लेते हैं कि माइसीलियम किस तरह का होता है. इसका जो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो होता है एसेप्टेड, यानी कि उसमें पार्टीशंस नहीं पाई जाती हैं. और ब्रांच्ड होता है इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड भी होता है. और क्योंकि ये एसेप्टेड होता है, डिवीजन्स नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें सीनोसेटिक कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं. नाउ लेट अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन इन मेंबर्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज. मेंबर्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, यानी कि इसमें तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, और एसेक्सुअली ये स्पोरेंजियो स्पोर बना करके रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअली ये तीन मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट इज प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन, सेकेंड इज गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, एंड थर्ड इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन में भी ये तीनों तरीके से करते हैं, आइसोगैमीज टाइप, एनआइसोगैमी एंड ऊगैमी. इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल दीज मेथड्स. आफ्टर डिस्कशन द रिप्रोडक्शन इन मेंबर्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज, लेट अंडरस्टैंड सम मोर फीचर्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज. द मेंबर्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज, फ्रूटिंग बॉडी इज एबसेंट, मतलब इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं प्रेजेंट होती है. बिकॉज दिस क्लास इंक्लूड्स प्रिमिटिव फंजाई एंड फ्रूटिंग बॉडी इज एडवांस कैरेक्टर विच इज ओनली फाउंड इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. क्योंकि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एक एडवांस कैरेक्टर है, और जो क्लास फाइकोमाइसिटीज है उसमें केवल प्रिमिटिव फंजाई आते हैं, इसीलिए जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो केवल हायर फंजाई में देखने को मिलती है. फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है. इन मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज इसमें डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज भी एब्सेंट होता है, मतलब कि देयर इज नो गैप बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी. फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एल्गी के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटीज शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू फंजाई. इनका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है और उनके सेक्स ऑर्गन बिल्कुल मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल एल्गी की तरह होते हैं. सो द फाइकोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गियल फंजाई. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज के, जैसे एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस, जिसे कि हम लोग ब्रेड माउल्ड कहते हैं. नाउ लेट अंडरस्टैंड द सेकेंड क्लास ऑफ किंगडम फंजाई, दैट इज क्लास एस्कोमाइसिटीज. क्लास एस्कोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज सेक फंजाई, इसको सेक फंजाई भी कहते हैं.
मोस्टली मल्टी सेलुलर एंड रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब कि इस क्लास में जो फंजाई प्रेजेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट. प्रेजेंस ऑफ एस्कस, यानी कि एस्कस का होना इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज. ये जो एस्कस होता है वो इस क्लास एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी कि इसके सारे मेंबर में ये एस्कस प्रेजेंट होता है. अब हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज एस्कस. ये एस्कस क्या है? एस्कस इज ए सेल विच कंटेन सेक्सुअल स्पोर. एस्कस जो होती है वो एक सेल होती है जो कि अपने अंदर ढेर सारे स्पोर रखती है. इस ए सेक्सुअल स्पोर बियरिंग सेल, और जो ये इसके अंदर स्पोर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एस्कोस्पोर, जो कि 8 इन नंबर होते हैं और मियोसिस के रिजल्ट से फॉर्म होते हैं. ईच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस बाय मियोसिस. मेंबर्स ऑफ क्लास एस्कोमायसेटिस ग्रो इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो करते हैं, मतलब कि ये सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं. इसके अलावा ये डंग में भी ग्रो करते हैं, यानी कि कॉप्रोफिलस होते हैं. इसके साथ साथ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं. अब इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. स्ट्रक्चर में मेनली हम लोग इसके माइसीलियम को देखते हैं. इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, यानी कि माइसीलियम में पार्टीशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें पार्टीशंस होते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लियट या फिर सीनोसेटिक कंडीशन एब्सेंट होगी, और साथ साथ में इसका माइसीलियम ब्रांच्ड भी होता है. Now let understand reproduction in member of class Ascomycetes. Class members of class Ascomycetes reproduce vegetatively, asexually as well as sexually. यानी ये तीनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन करता है. वेजिटेटिव में भी ये फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन एंड बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करता है, और एसेक्सुअली ये कोनिडिया बनाकर रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली ये सोमैटोगैमी मेथड से रिप्रोडक्शन करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लास्ट में एस्कोस्पोर फॉर्म्स होते हैं, और ये एस्कोस्पोर को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं. यानी कि ग्रुप एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो है एस्कोस्पोर्स, और कोनिडिया जो है वो है एसेक्सुअल स्पोर. आफ्टर रिप्रोडक्शन लेट अंडरस्टैंड सम मोर फीचर्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज. बिकॉज इन एस्कोमाइसिटीज कैरियोगैमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगैमी, सो डाइकैरियन स्टेज इज प्रेजेंट. मतलब कि इसमें प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होता है, इसीलिए इसमें डाइकैरियन स्टेज देखने को मिलता है. जो एस्कोमायसेटीज है उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको कहते हैं एस्कोकॉर्प, और इस एस्कोकॉर्प के ऊपर ही एस्कस डेवलप करते हैं. इन एस्कस में मियोसिस से एस्कोस्पोर बनते हैं, जो कि जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम जो होता है उसका यूज़ करते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए. थर्ड है न्यूरोस्पोरा, जो कि एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.